दोस्तों आपको क्या लगता है, राहुल द्रविड़ ने जो हार के बाद बात कही है वो सही है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना आप बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में करारी हार के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने साउथ अफ्रीका को क्रेडिट दिया है जीत का और कहा है कि आप दूसरी टीम को कभी कमजोर नहीं समझ सकते। और साथ ही उन्होंने अपनी टीम के प्रदर्शन पर भी निराशा जताते हुए कहा कि हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए और इसलिए हमने इस श्रृंखला को हारा है। हम अगर उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन करते और हमारे कई खिलाड़ी जो बेहतरीन फॉर्म में थे वो इन दो एक दिवसीय मैचों में पूरी तरीके से परास्त रहे, और छोटी श्रृंखलाओं में अगर आप श्रृंखला हार जाते हैं तो उसमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज़्यादा कहीं ना कहीं लक का भी असर होता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इन दोनों दिन बेहतरीन खेल दिखाया और टीम इंडिया कहीं ना कहीं गेंदबाजी में पिछड़ी हुई नजर आई। उन्होंने अपने खिलाड़ियों का बचाव करते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ी बेहतरीन खेले लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी फ्लॉप रही, हमें इस पर काम करना होगा। आपके हिसाब से राहुल द्रविड़ ने जो कहा वो ठीक कहा है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में राय देना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपके हिसाब से इस हार का और कोई दोषी है तो हमें उस खिलाड़ी या फिर गेंदबाज या बल्लेबाज का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।